नमस्कार, आज मैं छोला के का बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये काबली चना को लेकर के पहले उसे अच्छी तरह से धो दिए हैं। धो करके लगभग 8 घंटा इसे हम पानी में भिगो कर रखे थे। ये पानी में भिगोया हुआ और काबली चना पूरा बिल्कुल तो अच्छी तरह से फूल भी गया है। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा है, जीरा को डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद में एक तेज़पत्ता, एक बड़ी वाली इलायची, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा इसे हम डाल दिए हैं। इसे डालने के बाद अब इसमें हम 8-10 लहसुन की कलियाँ उसे हम डाल देते हैं। इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा उसे भी इसमें हम डाल देते हैं और 2 मीडियम साइज का प्याज है उसे हम इस तरह से काट लिए हैं उसे भी डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को, प्याज और लहसुन को, अच्छी तरह से पहले हम भून लेते हैं। प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं इसी समय। नमक डाल करके अब इसमें हम काबली चना को डाल देते हैं। डालने के बाद इसे हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम आधा ग्लास पानी को डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डाले हैं। और कुकर का ढक्कन को लगा करके गैस का फ्लेम को मीडियम करके 2-3 सीटी आने तक इसे हम पहले पका लेते हैं। 3 सीटी आने के बाद में गैस को ऑफ कर दिए थे और कुकर भी ठंडा हो गया है। अब इसे चलाते हुए थोड़ा प्याज अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब हम फिर से गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर, उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला पाउडर, चलाते हुए टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है और इसका पानी को सुखा लेना है। अच्छी तरह से भुना गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी लगभग 1.5 गिलास डाले। ऊपर से आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और कुकर का ढक्कन को लगा करके लगभग 5-7 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं जिससे कि काबली चना अच्छी तरह से पक जाए। लगभग 5-7 मिनट हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है। छोला बनकर तैयार है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती को डाल देते हैं
फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।